टॉप क्लास वीएफएक्स और गंदी एक्टिंग के चलते ब्रह्मास्त्र पार्ट वन ने अपने ओपनिंग ही वीकेंड पे कमा लिए हैं पूरे 225 करोड़ रुपए। बहुत तेज हो रहे हैं। मतलब रणबीर और आलिया के डाई हार्ड फैंस भी ये नहीं कह पाए वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर मूवी में जितनी भी दिक्कतें हो लेकिन बॉयकॉट गैंग भी करता हुआ सिनेमा हॉल्स पहुंच ही गया है ये देखने की भाई ये वीएफएक्स सही में बढ़िया लग रहे हैं क्या 3D में, और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 क्या और भी फाड़ होने वाला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ प्रशांत कपूर, और अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं देखी है तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको स्पॉइलर्स मिल सकते हैं। तो मेरे साथ आज देखिए क्या कहा डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की रिलीज के बारे में। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के बारे में सोचा था वेकअप सेट के टाइम पे, जब रणबीर कपूर नए नए इंडस्ट्री में आए थे और पूरे 10 साल बाद जाके बना पाए ये पार्ट 1 यानी शिवा की कहानी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इतने सालों की मेहनत स्क्रीन पे नजर आई और बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद ऑडियंस ने इस मूवी को पसंद किया, नॉट बिकॉज ऑफ गुड एक्टिंग और डायलॉग्स, वो तो कतई पैथेटिक थे, मूवी चल रही है अपनी अच्छी स्टोरी लाइन और वीएफएक्स की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आई नो रे, तो स्टोरी में ये पता लगता है कि रणबीर यानी शिवा, जिन्हें लगता था कि वो अनाथ है, उनका आग से कोई रिश्ता होता है, और मूवी का एंड आते आते गुरुजी यानी अपने अमित जी उसे ये बता देते हैं कि तू बहुत ही पावरफुल दो वॉरियर्स का बेटा है, देव और अमृता। अब इसमें देव जो है वो आग कंट्रोल कर सकते हैं और अमृता कंट्रोल कर सकती है पानी। हाँ हाँ, जस्ट लाइक अक्षय भैया गेस्ट पानी। तो शिवा के डैडी जी यानी देव जो है उन्हें चाहिए होती है ब्रह्मास्त्र की ताकत, जिसके लिए वो बन गए हैं विलन, और इन्हीं की लाइफ के ऊपर फिल्माया जाएगा पूरा पार्ट 2 यानी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सब कुछ पता लगा लिया। हालांकि आयान ब्रो ने पूरी कोशिश करी थी कि हमें ना दिखे कि छोटे शिवा की माँ दीपिका पादुकोण है, पर फिर भी बास की नजर रखने वाले लोगों ने देख ही लिया कि रणबीर की माता श्री बनेगी दीपिका, और रणबीर के डैडी जी यानी देव की कोई झलक तो नहीं दिखाई पूरे पार्ट 1 में, लेकिन दिखाया है तो सिर्फ एक मस्क्यूलर सा शरीर, वो भी पीछे से हाईलाइट करके। तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देव के रोल के लिए अप्रोच किया गया है ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह को, जो कि दोनों ही बहुत बढ़िया चॉइस है। प्लस मूवी की शुरुआत में जो एनिमेशन से ब्रह्मास्त्र के बारे में नरेशन चल रही होती है उसमें मेन कैरेक्टर कहीं ना कहीं एनिमेटेड रणवीर सिंह लग रहे हैं, सो यू नेवर नो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लोगों की एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अयान मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि प्लान के मुताबिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव सिनेमाघरों में पहुंच जाएगी दिसंबर 2025 में। हाँ हाँ भाई, इतना समय तो लगेगा ना, अभी तो बस स्क्रिप्ट तैयार है, पहले ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की सक्सेस पार्टी होगी, फिर हैंगओवर उतरेगा, फिर शूटिंग शुरू होगी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत समय लगने वाला है और उससे भी ज्यादा डायलॉग्स पे समय लगने वाला है। तो क्या लगता है आपको कौन बनेगा देव, और 3 साल तक क्या ब्रह्मास्त्र 2 की एक्साइटमेंट लोगों में बरकरार रहेगी, फटाफट कमेंट्स में हमें बताएं, और हाँ अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।